देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। बड़ी खबर, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रुझान, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची भंडारा। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव की टीम, चाय की चौपाल की टीम आ पहुंची है लाखनी। यहाँ हम गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव के राष्ट्रवादी कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवारों का लेंगे चुनावी जायजा। नमस्कार, मैंने एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एमएनएस न्यूज की चाय की चौपाल की टीम आ पहुंची है लाखनी में। यहाँ पे गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों का चुनावी माहौल यहाँ जानने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ मतदाता लोग जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं आने वाली सरकार के बारे में। हाँ सर बताइए। हाँ, आने वाली सरकार जो भी हो बस सबका अच्छा सोचने वाली हो जी। और अभी तक के हमारा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है जी, कि जनता को जितने भी वादे आज तक किए गए लेकिन कभी भी पूरे नहीं हुए जी। और जो भी मेंबर ऑफ इनका जो निकलता है घोषणा पत्र चुनाव से पहले, उसमें से अगर कुछ भी अगर सच्चे में अगर वो करते हैं तो भी जनता खुश रहेगी। जो भी वादे करते हैं वादे को कम से कम खरा उतरना चाहिए। आपको पता है भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव में जो दो उम्मीदवार है वो कौन है? हाँ, एक तो अपने बीजेपी के मेंटे साथ है और राष्ट्रवादी के अपने बच्चों के साथ है। फाइट तो फिलहाल तो इन दोनों में ही दिख रही है। और खास करके जो यहाँ पे जो लास्ट तक के टाइट सिचुएशन थी कि उम्मीदवार आखिर कौन होगा, और एकदम लास्ट में पता चला कि उम्मीदवार कौन है और सस्पेंस खत्म हो गया। तो आपका वोट किसको? वोट तो वो जो है वो रहेगा, वो तो वो लोकसभा ही वही है ना जो हम समय पे डिसाइड करेंगे। लेकिन उम्मीदवार जो भी चुनना है हम सोच के चुनेंगे। जनता विकास कार्य को देखते हुए अगर किसी को मत करना है तो आप किसे करेंगे? एक विकास कार्य को अभी जैसे आज तक ये चलता रहा है ट्रेन के, अभी इसको 10 साल मिले, किसी को 5 साल मिले जी, तो हम भी सोचेंगे कि 5 साल में क्या हुआ, 50 साल में क्या हुआ। हां, मेरा भी कांग्रेस की सरकार देखी 60 सालों की और अपने 4 साल की सरकार देखी बीजेपी की, आप क्या सोचते हो? मैं सोच रहा हूं कि अच्छा हो रहा है जी, और हमें भविष्य में ज्यादा और भी चांस मिले, और चांस मिले अगली सरकार इनकी बननी चाहिए। डेवलप हो सके तो कम। जी 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 आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा चुनाव के लिए मैं तो एक बार चाय वाला को बनाना चाहते हैं। जी जी जी, चौकीदार को बनाएंगे, चौकीदार को बनाएंगे। 25 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं करके दिखाया, 5 साल में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया और एक बार चांद दिखाएंगे। गरीबों का ये कर रहा है हल, संडास मिले हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है जी, सब ठीक चल रहा है ना जी जी, 5 साल में और डेवलप हो सकता है ना। जी जी, थैंक यू सर। मेरा नाम प्रकाश वर्मा झिंझाड़ा, मैं राजगढ़ का हूँ, यहाँ पे मैं बातचीत के लिए आता हूँ यहाँ पे। पर मैं ये बात खास है कि अब नरेंद्र मोदी 5 साल में हो गए, अभी बाकी अभी 4 महीने बाकी है। जो उसने वादे किए हम क्षेत्रीय वर्ग है हमारा जी, उसने कर्ज सूट नहीं किया हमारा अभी तक जी। आपका कर्ज सूट नहीं किया? नहीं होना चाहिए, अभी मार्च ओपन हो गई है। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि इतने सालों में जो चीज़ नहीं हुई वो एकदम से हो जाएगी? वो बस सही है, वो बस सही है, नहीं ना, हम कष्ट कर रहे हैं जी, क्षेत्रीय वर्ग है ना, ये बात बोल रहे हैं। अब बोलते अलग वादे जुटे हुए हैं जी, ये बात है ना, सिर्फ उम्मीद ये है कि हम आपकी जो कर्ज माफी है नहीं हुई ना, क्योंकि हम सोसाइटी से कर्ज उठा दिए हर साल, हम चालू वाले हैं जी, जो चालू वाले नहीं हुआ जो जो उठाते हैं भरते नहीं, उसका हो गया ना, वो उनका हो गया ना, हमारा नहीं हुआ ना। आपने इसके लिए कुछ कहा? मैं गया था वहाँ बैंक में बोले थे आएंगे आएंगे आएंगे, दूसरा नंबर तो हो गया, अभी आने वाले कुछ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो तो बीजेपी की सरकार है सही जी, आते हुए कभी मिले नहीं जी। यानी अगर आपका कर्ज माफी हुआ तो आप वही सरकार लेंगे जो आ रही है? हम यही बोलेंगे ना जी जी जी। थैंक यू सो मच सर। मिल रहा है हमारा जैसे को क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं, वो अपने घर को? अरे हमने तो कब से फार्म भर के दे चुका है। तो आपको इसके लिए आपके नगर सेवक से बात करनी चाहिए। आज इन नगर सेवक से बात करने के बावजूद भी हमको
कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। आपको उन्हीं से बात करनी पड़ेगी सर, क्योंकि कैसा रहता है कि किसी भी प्रशासन में देखिए मैडम मैं आपको क्या बताऊं, आपको उसी सर के हिसाब से जाना पड़ेगा सर। हम झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, है ना, मानोगे जी? देखो हमारी झोपड़पट्टी कहाँ पे है जी, यहाँ पे हम झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, फिर भी हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन लोग बोल रहे हैं कि जिला परिषद की जगह है, जबकि जिला परिषद जगह नहीं मिल रहा है। उसके लिए नगर सेवक से बात करनी पड़ेगी सर आपसे। आप वोट करेंगे? हाँ, हम तो वोट करेंगे। कौन सी सरकार को करेंगे? देखिए क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? एक ही बात बताऊँ, सही में बताऊँ? बताइए। मोदी सरकार, मोदी सरकार। धन्यवाद सर। वोटिंग करेंगे 11 तारीख को? कौन सी सरकार के बारे में सोच रहे हैं? मोदी के बारे में सोच रहे हैं। धन्यवाद। वोटिंग करेंगे 11 तारीख को? कौन सी सरकार को करेंगे? मोदी सरकार। अंकल जी थैंक यू। वोटिंग करना का कोणाला? बीजेपी। बीजेपी, धन्यवाद। वोटिंग करेंगे लोकसभा चुनाव में 11 तारीख को? कौन सी सरकार की अपेक्षा कर रहे हैं? जो वक्त पे आएगा उसको, यानी सोच समझ के नहीं करेंगे? सोच समझ के करेंगे। थैंक यू सो मच। मोदी को करेंगे? चाय वाले, इसलिए चाय वाले को वोट करेंगे। थैंक यू सो मच। लोकसभा चुनाव को आप किस तरह देखते हैं सर? ये तो घड़ी की सीट निकलने वाली है। घड़ी की सीट निकलने वाली है? पंचबुधे। पंचबुधे जी, किस आधार पे कह रही है? किस आधार पे? दोनों चेहरे नए हैं जी, तो जो जाना माना चेहरा है, जाना माना चेहरा आएगा ही। अभी इसका अभी का माहौल ऐसा है, पंचबुधे तो 100% आना ही है। आना ही आना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? घड़ी आएगी, घड़ी आएगी जी, पंजा आना चाहिए, घड़ी है, घड़ी है, घड़ी है, घड़ी है, घड़ी आना चाहिए, घड़ी आना चाहिए। धन्यवाद सर। नाम है? इसके पहले कितने बार वोट किए हो? तीन बार किए हो। तो इसके पहले जब वोट किए थे तब सरकार आई थी? आई थी। तो इस बार किसे करेंगे? मोदी जी। मोदी जी, धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।